ये जगह आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होगी और शायद अभी तक किसी ने दिखाई भी नहीं होगी। ये पहली बार आपको दिख रही है यहाँ यूट्यूब पे। ये है फूड कोर्ट श्री महावीर जी का। आप ये खेती देख सकते हैं गाइस, बहुत ही शानदार। तो ये जो खूबसूरत रास्ता आप देख रहे हो गाइस, ये जाता है श्री महावीर जी को और हम हैं अभी करौली के अंदर। तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है श्री महावीर जी, जो कि बहुत ही बड़ा एक धार्मिक स्थल है और जैनियों के लिए तो बिल्कुल पवित्र जगह है। तो यहाँ पे आपको 10 से भी ज़्यादा मंदिर मिलेंगे जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ एक से बढ़कर एक लाजवाब खाने का स्वाद मिल सकता है आप। सो आज हम आपको महावीर जी का पूरा टूर कराने वाले हैं, जिसमें ना सिर्फ हम आपको मंदिरों के दर्शन भी कराएंगे बल्कि साथ ही साथ उनका स्ट्रीट फूड भी एक्सप्लोर करेंगे। बट उससे पहले अपन इस नज़ारे को जो कि रास्ते में आता है वो एक्सप्लोर करते हैं और कैसा लगता है। सो चलिए आइए चलते हैं। तो इस रास्ते की सबसे खास बात यह है कि यह पूरा का पूरा रास्ता अगर आप सर्दियों में आते हैं तो सरसों की खेती से पूरा कवर रहता है। और यहाँ पे आप पहुँच कैसे सकते हैं, सो आप आ सकते हैं जयपुर से सिकंदरा और सिकंदरा से सीधे आपको ले सकते हैं, जो कि सीधा महावीर जी की तरफ आपको डाइवर्ट कर देगा। और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा साइन बोर्ड्स मिलते हैं, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रास्ता ढूंढने के अंदर। सो गाइस ये देखिए क्या आया है बोर्ड श्री महावीर जी का, जो कि 21 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। सो अपन को लेफ्ट लेना है और यहाँ से 21 किलोमीटर अपना रास्ता पड़ेगा। तो इस बार की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अब रास्ते बहुत ही अच्छे हो गए हैं। ये देखिए रोड्स प्रॉपरली बन चुकी हैं, तो आपको थोड़ा सा भी कच्चा रास्ता नहीं मिलने वाला और शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे जब भी आप जाएंगे। चलिए हमने लिया था लेफ्ट और अब यहाँ पे बोर्ड दे रखा है, सो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड्स प्रॉपर मेंशन है, साइन बोर्ड्स। ये देखिए राइट में जा रहा है, तो अपन राइट में ले चुके हैं श्री महावीर जी की तरफ। ये हो रही है मेले की तैयारियाँ। तो ये रहा गाइस, ये रहा अंदर जाने का रास्ता। सो इस बार सारी खाने की स्टॉल्स वगैरह जितनी भी हैं सब बाहर लगा दी गई हैं और अंदर अपन को ई रिक्शा में जाने की पूरी सुविधा है। ये देखिए तो ये आ गए हैं अपन महावीर जी के सबसे बड़े मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर श्री महावीर जी, यहाँ आना ही अपने आप में बहुत शानदार चीज़ है, एक गजब का एहसास, खूबसूरत एहसास। और यहाँ भीड़ देखिए आज काफ़ी ज़्यादा है, दर्शन करने वाले लोग काफ़ी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। यहाँ पे एक और नई चीज़ है बिल्कुल, सो मंदिर के जस्ट सामने है अपना फूड कोर्ट श्री महावीर जी का, जो कि अभी बहुत ही रिसेंटली ओपन हुआ है, अभी बिल्कुल नया ही है। सो इसको भी मैं पूरा एक बार आपको कवर करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस फूड कोर्ट में खाने में क्या क्या मिलेगा आपको। सो चलिए पहले दर्शन करते हैं अपन पूरे और आपको भी दर्शन कराता हूँ मैं यहाँ के, रौनक देखते ही बनती है आज तो। सो इन्हीं पे आएगी झांकी गाइस। और ये रहा अपना मंदिर जी पूरा सजा हुआ है, अंदर आते ही आपको जूते चप्पल रखने की जगह मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। ये रहा मानक स्तंभ, ये अपना मानक स्तंभ गाइस। अब चल रहे हैं अपन अंदर दर्शन करने के लिए। जैन के लिए श्री महावीर जी आने का मतलब एक तरीके से चार धाम यात्रा की तरह ही हो जाता है ये बिल्कुल।
क्योंकि इससे खूबसूरत और कुछ भी नहीं। जय हो भगवान राम। मंदिर के अंदर खूबसूरती देखिए। पास से दर्शन करवाते हैं आपको, सारी प्रतिमाओं जी के दर्शन कराते हैं यहाँ पे। ये पद्मावती माता जी हैं। इस बार तो बहुत ज्यादा खूबसूरत कर रखा है मंदिर, काफी ज्यादा काम चला है इसको। दर्शन हमने कर लिए गाइस, यहाँ पे हमने पूरे दर्शन कर लिए और आपको भी करा दिए। कितनी सारी पुरानी जो मूर्तियां हैं यार, दर्शन हमने कर लिए गाइस। अब हम जा रहे हैं पीछे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट जगह है इस मंदिर के हिसाब से, क्योंकि पीछे ही ऐसी जगह है जहाँ से मूर्ति निकली थी जो कि अंदर विराजमान। तो जो जो लोग शुरू से महावीर जी आते रहे हैं उनको ये पता है कि पीछे बिल्कुल मार्केट लगती थी छोटी सी, जिसमें खेल खिलौने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे। ये देखिए पूरी मार्केट बन गई है पीछे। ये वाली तो थी, ये हमेशा से ही थी। अब अपने खेल खिलौने यहाँ पे रिलीजियस थिंग्स ले सकते हैं। महावीर जी मैं पूरा याद दिला दूंगा ये, अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे अच्छे से तो। ये जगह बिल्कुल नहीं है गई। और ये देखिए ये पीछे वही एरिया है जहाँ पे मूर्ति निकली गई थी, और यहाँ पे इनका पंच कल्याणक हुआ है इस मूर्ति का। हाँ ये देखिए सारी मूर्तियों का पंच कल्याणक हुआ है। ये पहली बार YouTube पे दिख रहा है गाइस, ये देखो। ओहो धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है। ये यहाँ पे पंच कल्याणक हो रहा है, हो चुका है, और ये YouTube पे पहली बार दिखाई जा रही है।
पद्मप्रभा महामुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वहामि स्वाहा। इन सारी मूर्तियों का पंच कल्याणक हुआ है। ये एग्जैक्टली जो अपने बड़ा मंदिर है जस्ट उसके पीछे ये जगह पूरी बनी है और खूबसूरत। वाह, ये जगह आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होगी और शायद अभी तक किसी ने दिखाई भी नहीं होगी। ये पहली बार आपको दिख रही है यहाँ यूट्यूब पे। हरे रंग की मूर्ति, ये 48 फीट की जो मूर्ति है आपकी, इसका कल महामस्त अभिषेक होने वाला है। ये देखिए गए महावीर स्वामी जी की जो मूर्ति, महामस्त अभिषेक कल है। सो आप आइए जरूर और दर्शन जरूर करिए, करा दिए गई आपको बहुत ही अच्छे दर्शन कराए हैं हमने इस बार, मजा आ गया यार दर्शन करके। तो चलिए अब बाकी की चीजें भी आपको दिखाते हैं मालती महावीर जी की और पूरा कंप्लीट टूर करते हैं अपन। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया एक तो फूड कोर्ट है और यहाँ पे आपको भोजनालय भी मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं और रीजनेबल प्राइसेस पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज देते हैं। तो यहाँ पे आप आके अपना खाना वगैरह खा सकते हैं। सो अहिंसा पवित्र भोजनालय मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इनके पराठे वगैरह काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको एक बार फूड कोर्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि अभी जो रिसेंटली ओपन हुआ है फूड कोर्ट उसके अंदर आपको क्या क्या खाने को मिलेगा, क्या क्या ऑप्शंस खुले हैं यहाँ पे। ये देखिए ये है फूड कोर्ट श्री महावीर जी का, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है और अभी ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको वर्धमान, अंदर घुसते ही वर्धमान पवित्र भोजनालय, हर्षवर्धन पवित्र भोजनालय। तो इसी तरीके के आपको यहाँ पे आउटलेट देखने को मिल जाएंगे, एक तो आपको बाहर दिख जाएंगे और दूसरा अभी अंदर यहाँ पे खुली रहे। ये देखिए ये आ गया है अपना खाना। सो मंगाए हैं आलू का पराठा, पनीर पराठा, दाल तड़का, दही, ये सैलेड आ गया। हाँ मज़ा आ गया। तो ये आ गया है जुलूस गाइस, ये शुरू हो गया अपना जुलूस। हाँ ये आप महावीर जी आ रहे हो और दर्शन कर रहे हो और कुछ खाना चाहते हो बहुत ही शानदार, तो यहाँ की पत्ते वाली कुल्फी बिल्कुल भी खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि यहाँ का तो एक औपचारिक मैं बता रहा हूँ कुल्फी है। ये देखिए हाय हाय, ये छोटा और ये बड़ा पत्ता है। सो ये 20 का, ये 40 का, ये 40 का 100 ग्राम, ये देखिए छोटा, और ये 50 ग्राम का 20 रुपए। ये बचपन से हम खाते हुए आ रहे हैं इस आइसक्रीम,
बैटरी होती है। हाँ बिल्कुल, पहले हमारे बाबा बनाते थे, अब हम बनाते हैं। हाँ पवन सैनी नाम है। पवन सैनी। तो चलिए अब अपन चल रहे हैं बाकी के मंदिरों के दर्शन करने के लिए। ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि महावीर जी में त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है, पर्व किस तरीके से मनाया जाता है, पहली बार देख रहे हैं। आज जो भाई सबसे अच्छी बात है वो ये है कि रिक्शा आज सबके लिए फ्री है और ये सबको दर्शन करा रहे हैं बिना कोई चार्ज लिए हुए। ये है महावीर जी की खासियत। ये देखिए चक्रवर्ती जी महाराजा चक्रखंड में विजय करने के उपरांत इस नगरी की ओर पदार्पण कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं श्री दिगंबर जैन 1008 पार्श्वनाथ चैताल्य प्रार्थना भवन के अंदर, और इसको कांच वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आइए मैं आपको पूरे दर्शन कराता हूँ इस मंदिर के। ये देखिए पूरा कांच से बना हुआ मंदिर है ये। आप किसी भी चीज को देखेंगे वो पूरी कांच से सजाई गई है इस मंदिर के अंदर। ये पूरे दर्शन कराता हूँ आपको अंदर पार्श्वनाथ भगवान जी के। जो बचपन में हम सिक्के डालते थे, और पूरे इंडिया में मुझे लगता है कि यही एक जगह है जहाँ पे आपको ऐसी गुल्लक देखने को मिलेगी जो पैसे खाती है। हेलो, यहाँ पे आप दूसरे मंदिर की के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आप ऊंट की सवारी भी ले सकते हैं। तो भाऊ जी प्रति सवारी कितने रुपए लेते हो? आना जाना 50 रुपए सवारी। आना जाना 50 रुपए सवारी। महावीर स्वामी की जय। कथा प्रभु भगवान की जय। तो हाथी भी आ रहे हैं जिसके में कर दो। अच्छा वो सवारी करवा रहे हैं हम। अच्छा अरे आया तो पैसे कमाने। तो हम गंभीर नदी को पार करके आ गए हैं और ये भी अपने महावीर जी में बहुत ही बड़ा मंदिर है जिसमें अभी तक की महावीर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा जी है। यहाँ पे शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, शांतिनाथ जी का मंदिर है और बहुत ही बड़ा है जैन मंदिर। तो चलिए इसके भी मैं पूरे दर्शन करा देता हूँ आपको। मैं मंदिर में आते ही सबसे पहले आपको मानक स्तंभ दिख जाएगा और फिर एक मंदिर वो है और एक मंदिर ये है। पहले मैं इस मंदिर के दर्शन करा देता हूँ आपको। खंड के स्वामी
स्वामी खटखंड के स्वामी राज विभव को भोगे राज विभव को भोगे कामदेव नामी ओम जय शक्तिनाथ स्वामी। दर्शन कर लिए अब हमने इस वाले मंदिर के, अब हम करते हैं शांतिनाथ भगवान जी के दर्शन। से इस बड़े मंदिर के दर्शन करते हैं जिसमें महावीर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा जी ये देखिए। तो चलिए मैं आपको पूरे दर्शन कराता हूँ एक बार। ये पूरा जो पेंट हुआ ये अभी इस साल ही हुआ है। महावीर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा जी शांतिनाथ भगवान जी। शांतिनाथ भगवान जी के दर्शन करने के बाद अब यहाँ पे 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं जी स्थापित की गई हैं इधर और इधर। तो यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं क्षेत्रपाल जी बाबा। पार्श्वनाथ भगवान जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा जी भी है यहाँ पे। ये रत्नों की मूर्तियां हैं गई यहाँ पे। जब भी आप शांतिनाथ भगवान जी के मंदिर आए तो यहाँ पे आप गन्ने के जूस पी सकते हो। तो हमेशा से ही ये रहा है कि दर्शन करने के बाद भाई यहाँ पे गन्ने के जूस पी लिया करते हैं। ये दो दुकान है, एक ये दुकान है, और उसके बाद अब हम अपनी ऊँट की सवारी पे जाएंगे वापस आगे दर्शन करने के लिए। दर्शन कर लिए अब हमने शांतिनाथ भगवान जी के, अब हम जा रहे हैं अपने कमल मंदिर के दर्शन करने जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है। तो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़े टाइम पहले हुआ है। फैमिली मेंबर्स के साथ जाने में मजा ही कुछ और है यार। ये आ गए गाइस अब हम कमल मंदिर, जो कि बहुत ही बड़ा मंदिर है और बिल्कुल अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है। अंदर आते ही आपको हाथ धोने की सुविधा मिल जाएगी यहाँ पे, और काफी बड़ा पार्क है फैमिली के लिए यहाँ पे। ये हमारे कमल मंदिर जी का मंदिर, मैं दर्शन करा देता हूँ आपको। भगवान की जय। और आगे इस मंदिर का काम चल रहा है इसी कमल मंदिर के अंदर। तो अंदर यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की सुविधा भी दे रखी है। अरे देखिए गाइस बहुत ही बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत खूबसूरत मंदिर बन रहा है। यहाँ पे है अन्नपूर्णा भोजनशाला, तो यहाँ पे भोजनशाला आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं मंदिर जी की तरफ से, और साथ ही साथ पीछे भी गुलाबचंद भोजनशाला है जो कि प्राइवेट है और आप खा सकते हैं वहाँ। अब ये अपन जो चल रहे हैं ये है महावीर जी का आखिरी मंदिर, इसके भी मैं आपको पूरे दर्शन करा देता हूँ और फिर उसके बाद अपन यहाँ से करेंगे डिपार्ट। अभी बजे 3, अगर हो सका तो हम आपको शाम का नज़ारा भी दिखाएंगे कि महावीर जी में लाइटिंग किस तरीके से हो रखी है।
महावीर जी में सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं इसके आखिरी मंदिर। सो इस मंदिर के भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। तो चलिए गाइस, मैं दर्शन करा देता हूँ एक बार इस पूरे मंदिर जी के। अपने हर जैनी टेंपल के अंदर आपको अंदर जाने से पहले मानक स्तंभ दिखेगा। वाओ, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, की जय। ये है पीछे का रास्ता। श्री आदिनाथ जैन बम। वन की जय। सो ये वाला जो मंदिर है, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी काफी ज्यादा जगह है। सो ये देखिए गाइस, और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो उसमें से भगवान जी निकलते हैं। सो दर्शन कर लिए गए, अब हम अब है जाने का समय। लेकिन जाने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप महावीर जी आए हैं तो चिंटू की पकौड़ी, स्पेशल पकौड़ी खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये देते हैं एक तो पत्तों के अंदर और पकौड़ी का स्वाद बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जब भी हम आते हैं तो यहाँ की पकौड़ियाँ खाना बिल्कुल भी नहीं भूलते। तो गाइस लगा रहे अपन दो प्लेट यहाँ पे। तो होपफुली गाइस ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने पूरा ट्राई किया कि इस मेले में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और महावीर जी में पूरे दर्शन कराने की कोशिश करिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आइएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और दर्शन तो आपको पता ही है।